है, और मेरा घर चलो मुझे रे भी नहीं टपरिया। आप मौका पे देखो पूरे मोहल्लावारी चलो ना, मुझे क्यों कूपन नहीं है और बीजेपी है वोट दे। ये कुछ नहीं है साहब, गरीब आदमी, मेरे पास नेटंग है ना कुटरी है। बादाम सिंह, आप क्या विचार रखते हैं मन में, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी, बीजेपी को दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमनाइन इंडिया न्यूज, मैं हूं आपके साथ मोहन कुशवाहा। जैसा कि आपको पता है कुछ समय बाद, कुछ महीने बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव में इस बार जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो किस चेहरे को पसंद करेंगे, बीजेपी को वोट देना पसंद करेंगे या कांग्रेस को वोट देना पसंद करेंगे, इस सवाल का जवाब लेने के लिए हम आज पहुंच चुके हैं गाँव गाँव और डायरेक्ट ग्रामीण लोगों से बात करेंगे कि वो इस बार किसको वोट देना पसंद। आपका? मेरा नाम मर्दन सिंह कुशवाहा। कुछ महीने मतलब बाद मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, हाँ। तो बीजेपी को पसंद करेंगे या कांग्रेस? ये विकास करेगा गांव का, उसे दिए। तो अभी जो कार्यकाल वर्तमान में जो सरकार है बीजेपी सरकार, आप जहाँ तो अभी कितने खुश है? सुनो, 30 साल हो गए मेरी उम्र, अब तो मुझे कूपन भी नहीं, पर्ची भी नहीं, सेक्रेटरी भी ये बोलता है अगर ऐसे पर्ची बनेगी तो गाँव से निकाल जाओ, सरपंच भी बोलता है, और मेरा घर चलो मुझे रे भी नहीं टपरिया। आप मौका पे देखो पूरे मोहल्लावारी चलो ना, मुझे क्यों कूपन नहीं है और बीजेपी है वोट दे दे का। मेरे बाप की भी 80 साल की उम्र हो गई तो अभी दे चले आ रहा, फिर भी जब विकास नहीं हुआ। आप देखो मौका पे चल के देखो, तुम तो जाना ही पूरे जोर का है। मेरी शिकायत कौन करे, सरपंच का जाए, सेक्रेटरी का जाए, सबका जाए, मैं खड़ा हूँ यहीं पे। क्या कहते हैं लोग जाते हो तो? देते ही नहीं है। क्या कहते, क्या है जब जाके तो तेरा काम नहीं होगा। गांव के मुद्दे की विकास की बात करें तो क्या क्या काम नहीं होगा? गांव में कुछ नहीं हुआ, लेटंग मेरे पास जमीन भी नहीं है, कुछ नहीं है साहब, गरीब आदमी, मेरे पास लेटंग है ना कुटरी है। अच्छा, जैसे कि योजनाएं भी चलाई जा रही है, इस योजना का मतलब गांव वालों को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा? कथी लाभ नहीं मिल रहा था, इस बारे में गांव वालों ने कोई शिकायत वगैरह की है? नहीं, शिकायत करी है, सुनवाई नहीं कुछ। बंसीलाल, अच्छा, पेंशन वेंशन मिलती है आपको? कुछ नहीं मिले, 60 साल आपको मिलती ही नहीं, नहीं मिलती है आपको? आप पता भगवान जाने अब कके हैं, आगाई दिए थे आप, है आगाई दिए थे क्या? कहा रहे नहीं, सब तुम्हें मिलने नहीं देखा दी। कौन कहता है ये बात? अरे कर्मचारी पंचायत के, और अच्छा पंचायत मिलते तो फिर मिलना नहीं मिलती, ऐसे होता गाँव में रहे हम का, और मैं उनसे कहीं ना हुई मिले नहीं है। अच्छा, चुनाव होने वाले कुछ महीने बाद, तो क्या बीजेपी को देंगे या कांग्रेस को देंगे? अब सुनो, अब तो यार हम कचका कहने कोई हम लोग कोई कुछ काम ही नहीं करेगा, हम क्या बनाया वो? अब समय आओ जब देखेंगे कोई कुछ काम करेगा हमरो तो। क्या नाम है दादा? बादाम सिंह। आप क्या विचार रखते हैं मन में, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी आपका? रघुवीर कुशवाहा। अच्छा, तो कुछ महीने बाद मध्य प्रदेश में जो है चुनाव होने वाले हैं, हाँ। तो क्या माहौल है, किसको पसंद करेंगे, किसको वोट देना पसंद करेंगे? जो कोई विकास करेगा उसको पसंद करेंगे। अच्छा, अभी भी बीजेपी से कितने काम मतलब काम से कितने खुश हैं आप? अभी कुछ नहीं है, देख लो आप गांव देख लो, कुछ कुटी मुटी नहीं है, पानी नल व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था कमजोर है, कुटी नहीं आई आपको? कुटी नहीं आई, देखो कुटी है नहीं गांव में, गांव आप देख रहे हैं गांव कुटी नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इतनी योजनाएं चलाई जा रही है, लाडली बहना योजना भी चलाई जा रही है, उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है, तो इन योजनाओं से खुश नहीं आप? लाडली बहना योजना का लाभ मिला है, मिला है आपको, हाँ। और उज्ज्वला योजना भी चलाई, उससे खुश नहीं आप? उज्ज्वला योजना समझ कौन सी टंकी वाली, हाँ है, मिल गई टंकी, टंकी मिली, टंकी मिली है, फिर आप कह रहे हैं खुश नहीं, और क्या चाहते हैं? जो विकास मकान सकान मिल जाए, कुटी मिल जाए। कुटी नहीं मिली आपको? नहीं मिली। अच्छा, आपका क्या नाम भैया? रामकृष्ण कुशवाहा। तो आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? अपन तो कांग्रेस से देना पसंद करेंगे। कांग्रेस को क्यों देना पसंद? क्यों देना? अपने यहाँ कोई भी लाभ नहीं है, कोई भी कतई नहीं है। क्या लाभ नहीं मिला आपको? है ना कुटी है, ना लेटरिन है, ना बाथरूम है, ना कुछ है, ना रास्ता है, कड़वे गलान है, जहाँ रास्ता भी नहीं है। कहाँ का रास्ता नहीं है आपके लिए? कहाँ का रास्ता? रास्ता ही नहीं है, उसके गांव मुड़ के रास्ता है, वो सक्रिय है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इतनी योजनाएं चलाई जा रही है, लाडली बहना योजना चलाई जा रही है, उज्ज्वला योजना चलाई जा रही है, नल जल योजना चलाई जा रही है, इनका आपको लाभ नहीं मिल रहा है? जिनकी लाभ मिल रही है, रास्ता भी नहीं है, दे नहीं है, चालू नाल तो बंद है, न बिजली है। तो आपका क्या नाम है? राजा सिंह कुशवाहा। तो आप इस बार इसको वोट देना पसंद करेंगे क्या?
वो तो जी विकास करेगा भाई रंगे हम तो जो विकास मतलब जी कुटी नहीं आ रही कुटी को ज्यादा इंतजार है हमारे गांव में बहुत ज्यादा लाइट की व्यवस्था कम है और का अभी दो महीना डीपी फूकी डरी है और डीपी रखी नहीं हो रही। अभी वर्तमान जो विधायक है यहाँ के जज्जी जी तो उनके कार्यकाल से आप कितने खुश हैं? बिंद के कार्य से हम ठीक है लेकिन काम तो करवा है। क्या काम नहीं हुआ आपका? जी लाइट दी अब डीपी दो महीने में फूकी डरी है डरी नहीं गई और का और इसके अलावा जी यही के मतलब सुविधा हो गाँव में सब क्या सुविधा और का क्या सुविधा हो गई तो पूछना चाह रहे लाइट व्यवस्था जो कुटी वगैरह जी नल गाड़ गए झूठे जी नल चालू हो कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? आप क्या कहना चाहेंगे इस बार क्या मोल है क्या गाँव में नाली है लाइट भी कम है वो 100 रुपया तो 500 रुपया कर दिया ना सब तो माफ होगा कर दे तो डीपी कहाँ रखी है अबे अभी भी तो चल रही होगी अभी अभी कहाँ चल रही है डीपी से प्राइवेट चौहान ने घोषणा की थी जो मतलब जो पिछले जो बिल बकाए थे पूरे माफ कर दिए गए महिलाओं के खाते में भी 1000 रुपए डाल रहे हैं अभी अगले महीने से 1200 रुपए डाल दिया डाल गैस कनेक्शन उन्होंने डाली गैस टंकी में उन्होंने सस्ती की है मतलब इतने सब कार्य आप खुश नहीं हो गए गैस टंकी तो दही है फिर पैसा पूरे लग गए अभी माफ हुए ना माफ किए ना सस्ती भी मतलब गैस टंकी जो है ना कम कर दी उन्होंने कुटी भी नहीं आई यहाँ पे।